जैसा कि आप जानते हो OBS स्टूडियो का सबसे लेटेस्ट वर्जन है OBS स्टूडियो 31 के अंदर क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलते हैं, इसके अलावा OBS स्टूडियो 31 के अंदर मुझे कौन से फीचर्स सबसे ज्यादा अच्छे लगे जो कि आपके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं, उसी के बारे में आज के वीडियो में बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने PC पर और सबसे पहले अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो OBS स्टूडियो 31.0.4 ये OBS स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन है। तो सबसे पहले तो इसका जो यूजर इंटरफेस है वो काफी इंप्रूव कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ बग्स वगैरह इसमें थे वो सब फिक्स कर दिए गए हैं, जिससे OBS स्टूडियो को इस्तेमाल करना, इससे लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग करना काफी स्मूथ हो गया है। इसके अलावा अगर आप सेटिंग्स में जाते हो, यहाँ पर सेटिंग्स के बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक नया बटन ऐड हो गया है, अपीयरेंस पहले नहीं आता था, अब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर थीम का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे थीम में आप देख रहे हो डिफॉल्ट थीम है यमी, इसके अलावा नीचे एक स्टाइल का बटन आ गया है जिसमें डिफॉल्ट पर ये सेट हो रखा है, आप चेंज करना चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे एक्री पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर इसके सारे कलर्स वगैरह कुछ इस तरह से ब्लू कलर में आ जाएंगे। अगर अगला ऑप्शन आ रहा है क्लासिक का, क्लासिक पर सेट कर दोगे तो कुछ इस तरह का आपका OBS स्टूडियो यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, इसका जो UI है कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसके अलावा थीम को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ग्रे कलर में अगर आपको थीम रखनी है तो ग्रे कलर में आप रख सकते हो। इसके अलावा लाइट में अगर आप कर दोगे तो कुछ यहाँ पर सब कुछ वाइट सा हो जाएगा। इसके अलावा एक यहाँ ऑप्शन दिया गया है रचनी का, इस पर जब क्लिक करोगे तो कुछ कलर्स इस तरह के हो जाएंगे, जो बटन के कलर आप देख रहे हो इस तरह के यहाँ पर हो जाते हैं। तो फिलहाल मैं इसे डिफ़ॉल्ट पर ही कर दे रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट पर सेट कर देंगे, ओके कर देंगे तो यहाँ आप देख सकते हो एक अपीयरेंस का नया बटन हमें यहाँ पर मिल जाता है, जिससे हम OBS स्टूडियो में अलग अलग तरह की थीम्स लगा सकते हैं। इसके अलावा OBS स्टूडियो 31 के अंदर कुछ नए कमाल के फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। OBS स्टूडियो के सबसे पहले फीचर की बात करें तो वो है प्रीव्यू स्केलिंग, यानी आप अपने प्रीव्यू को भी स्केल कर सकते हो, इसके साइज को कम ज़्यादा करना हो वो सब कर सकते हो। कैसे करना है तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो स्टूडियो मोड का बटन दिया गया है इस पर क्लिक कर दो, अब आपका OBS स्टूडियो मोड में आ गया। यहाँ पर हमारी प्रीव्यू विंडो आ रही है, ये हमारी प्रोग्राम विंडो आ रही है। अब जो प्रीव्यू विंडो है उस पर आप राइट क्लिक करो तो यहाँ आपको ऑप्शंस में दिखाई देगा प्रीव्यू स्केलिंग। अब यहाँ आप देखोगे इसके आगे दो ऑप्शन आ रहा है, एक स्केल टू विंडो आ रहा है, दूसरा आ रहा है कैनवस। कैनवस पर क्लिक करो तो आप देख सकते हो हमारा जो प्रीव्यू था और इसे आप इस तरह से देख सकते हो। इस तरह से आप करोगे यहाँ पर नीचे पूरा कर्सर आ रहा है, इसे इस तरह से मूव करा के आप यहाँ पर देख सकते हो अपने प्रीव्यू को। ये देखिए प्रीव्यू को हमने यहाँ पर रीस्केल करके हम यहाँ से देख सकते हैं। और वापस आपको जाना है तो यहाँ पर फिर से राइट क्लिक कर दो, प्रीव्यू स्केलिंग पर जाओ और यहाँ पर स्केल टू विंडो पर क्लिक कर दो तो आपका प्रीव्यू उसी तरह से हो जाएगा जैसे पहले दिखाई दे रहा था। तो ये तो हो गया इसका प्रीव्यू स्केलिंग का फीचर। तो वापस जाते हैं स्टूडियो मोड पर क्लिक कर देते हैं, हम वापस आ चुके हैं अपने नॉर्मल मोड में। तो OBS स्टूडियो 31 के अंदर यहाँ पर आप नीचे की साइड देखोगे तो यहाँ पर आपको स्केल टू विंडो दिखाई दे रहा है, जैसे हमारा जो प्रीव्यू स्केलिंग था ऐसे ही आप यहाँ पर कैनवस स्केलिंग का ऑप्शन भी हमें मिल जाता है। यानी जब आप कैनवस पर क्लिक करोगे तो ये हमारा आप देख रहे हो जो हमारा विंडोज था वो 1080p पर पहुंच गया है। यहाँ पर आप इस तरह से इसको आगे पीछे इस तरह से करके देख सकते हो। तो ये यहाँ पर हमारा कैनवस रीस्केल का फीचर यहाँ पर मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ से मैं रीस्केल कर सकता हूँ। जैसे कॉर्नर पर आप देख रहे हो 45% यहाँ पर आ रहा है स्केल्ड, 45% आ रहा है, इसे हम और भी बड़ा करना चाहें इस तरह से बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, आपको इसे लेफ्ट राइट करना है जहाँ की भी लेके जाना है इस तरह से। स्पेस बार को दबा के रखो और आपका जो माउस है माउस से आप इसे इधर उधर कहीं भी लेके जा सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड फीचर की, जो मुझे सबसे बढ़िया लगा वो है इसका कैनवस रीसाइज। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो ये है हमारा OBS स्टूडियो 30। अब इसमें आपको यहाँ पर कोई भी रीस्केल का ऑप्शन नहीं मिल रहा है और ये हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग है ये भी 1080p पर सेट हो रखी है, लोगो लगा हुआ है, सेम वीडियो हमारा क्रिकेट का यहाँ प्ले हो रहा है, स्कोरबोर्ड लगा हुआ है। इस OBS स्टूडियो के अंदर, OBS स्टूडियो 30 के अंदर मैं अगर रीस्केल करना चाहूँ, रेजोल्यूशन चेंज करना चाहूँ तो क्या दिक्कत होती थी वो आप देखो। सेटिंग्स पर क्लिक करोगे और उसके बाद जाएंगे वीडियो पर। अब यहाँ 1080p से मान लो 720p पर मैं इसे कर देता हूँ
इसे मैंने यहाँ 720p कर दिया, यहाँ से 720p, इसको मैंने यहाँ से 720p कर दिया। उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो हमारा पूरा सीन यहाँ पर गड़बड़ा गया, ये देख सकते हो आप, लोगो हमारा यहाँ हो गया, अब वीडियो हमारी ऐसे चल रही है और पता नहीं हमारा जो नीचे स्कोर बोर्ड था वो कहाँ गायब हो गया। अब हमें एक एक चीज़ को यहाँ पर हमें रीस्केल करना पड़ेगा मैनुअली। कैसे रीस्केल करना पड़ेगा, अब आप देखो ये हमारा मीडिया सोर्स है, इसे सिलेक्ट करो, फिर यहाँ पर आप या तो इसे ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करो, फिर आप जाओ फिट टू स्क्रीन, तो हमारा इस तरह से यहाँ आएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो ये यहाँ स्कोर बोर्ड जो चल रहा था, यूनो वाला स्कोर बोर्ड हमारा कहाँ गया, ये है ना स्कोर बोर्ड, इसको भी हमें राइट क्लिक करना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर हमें फिट टू स्क्रीन पर क्लिक करना पड़ेगा, तब हमारा स्कोर बोर्ड यहाँ पर आएगा। इसी तरह से जो हमारा लोगो था, ये हमारा लोगो है, ठीक है, अब लोगो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद लोगो को भी हमें इस तरह से रिसाइज करना पड़ेगा। तो जो बेसिकली क्या था, पहले वाला जो OBS स्टूडियो था उसके अंदर आपको एक एक सोर्स को इस तरह से रिसाइज करना पड़ता था। अब जैसे आपने 720p में इसे सेट कर दिया, उसके बाद अगर आप चाहो 1080p पर अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को या रिकॉर्डिंग को चेंज करना, तो हर सीन के अंदर आपको सारे के सारे सीन आपको इसी तरह से रिसाइज करने पड़ेंगे, एक एक सोर्स को जाके रिसाइज करना पड़ेगा। जैसे हमने अभी 720 कर दिया, अब मान लो वापस मुझे 1080p करना है, तो फिर से जाऊंगा वीडियो पर, फिर इसे मैं करूंगा 1080p, यहाँ से 1080p कर दिया, इसे भी 1080p कर दिया, उसके बाद अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब आप देखो हमारा सीन फिर से गड़बड़ा गया, 720 से हमने 1080p किया तो हमारी ये वीडियो स्क्रीन यहाँ पर छोटी हो गई, स्कोर बोर्ड भी छोटा हो गया, लोगो भी छोटा हो गया। अब हमें फिर से वही सब कुछ करना पड़ेगा, इसे हमें फिर से रिसाइज करना पड़ेगा, इसको भी रिसाइज करना पड़ेगा। जैसे ये था हमारा, तो इसे हमें खींच के इस तरह से बड़ा करना पड़ेगा। स्कोर बोर्ड है, स्कोर बोर्ड कहाँ गया, ये है हमारा स्कोर बोर्ड, इसको भी हमें दोबारा रिसाइज करना पड़ेगा। तो ये पहले वाले OBS के अंदर ये सब काम हमें करने पड़ते थे। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा OBS स्टूडियो 30 के अंदर अगर हम अपने रेजोल्यूशन को चेंज करते थे तो हमें एक एक सोर्स को रिसाइज करना पड़ता था, लेकिन OBS स्टूडियो 31 के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सिंगल क्लिक करोगे तो उसमें आप रेजोल्यूशन को चेंज कर पाओगे, आपको किसी भी सोर्स को अलग से रिसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये है हमारा OBS स्टूडियो 31, इसके अंदर मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपने OBS स्टूडियो 30 में देखा था, तो सेम सीन मैं यहाँ पर भी आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये है हमारा OBS स्टूडियो में जो 30 में हमने सीन क्रिएट किया था, वो ही मैंने यहाँ पर लगा रखा। ये है OBS 31, इसमें हमारा लोगो लगा हुआ है, सेम वीडियो जो क्रिकेट वाला था वो यहाँ प्ले हो रहा है, स्कोर बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ जो हमारा स्केल है, रिजोल्यूशन है, वो 1080p में सेट हो रखा है। अब मैं मान लो इसे 720p में चेंज करके देखता हूँ, सेटिंग पर क्लिक करूंगा, वीडियो पर जाऊंगा, और यहाँ देख रहे हो 1080p, इसे मैं 720p कर दे रहा हूँ, 720p, इसे मैं यहाँ से 720p कर दे रहा हूँ, उसके बाद अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा, सिंपल। आप देखो यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई, जो हमारा सीन जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। स्कोर बोर्ड, हमारा स्कोर का साइज, हमारा लोगो का साइज, हमारे वीडियो के साइज में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमारे OBS स्टूडियो के अंदर हमारा जो रेजोल्यूशन है वो अब 1080p से 720p में चेंज हो चुका है, आप देख सकते हो। तो आपको किसी भी सोर्स को रिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे OBS के अंदर जितने भी सीन आपने क्रिएट किए होंगे, जितने भी सोर्सेज आपने लगाए होंगे, सब कुछ एक क्लिक के अंदर आपका उसी रेजोल्यूशन में जाके सेट हो जाएगा। अब हमने 720 यहाँ सेट कर दिया, वापस जाएंगे सेटिंग पर, फिर जाएंगे वीडियो पर, अब यहाँ से मैं फिर से 1080p कर देता हूँ, इसे भी 1080p कर देता हूँ, अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा। देखो जैसे का जैसा हमारा सीन था वैसे का वैसा ही रहेगा। तो OBS स्टूडियो 31 का सबसे जबरदस्त फीचर मुझे ये लगा, इसमें आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, कोई भी आपका सोर्स हो, कोई भी आपका रेजोल्यूशन हो, कोई भी रेजोल्यूशन से किसी भी रेजोल्यूशन में आप सेट कर दो, चेंज कर दो सिंगल क्लिक में, आपको और कुछ भी नहीं करना, सारा काम OBS स्टूडियो ऑटोमेटिकली कर देता है, सारे सोर्सेज को उसी के अकॉर्डिंग रीसेट कर देता है, रीस्केल कर देता है, रिसाइज कर देता है। इसके अलावा यहाँ पर डिस्प्ले कैप्चर और विंडो कैप्चर में भी कुछ चेंज किए गए हैं। यहाँ पर सोर्सेज में जाओ, प्लस के बटन पर क्लिक करो, अब यहाँ पर आप अगर देखोगे डिस्प्ले कैप्चर का ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर डिस्प्ले कैप्चर के अंदर अब आप देखोगे यहाँ पर कैप्चर मेथड में आपको 2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक आ गया,
और DSGI डेस्कटॉप डुप्लीकेशन आ गया, और दूसरा आ गया विंडोज 10 वाला ये ऑप्शन आ गया जो कि पहले इसमें नहीं आता था। इसके अलावा डिस्प्ले पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे, आप अलग अलग अपना डिस्प्ले सिलेक्ट करना हो वो आप कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर अगर विंडो कैप्चर की बात करें तो प्लस के बटन पर क्लिक करो, विंडो कैप्चर के अंदर भी यहाँ पर कुछ ऑप्शन चेंज हो गए हैं। विंडो कैप्चर पर क्लिक करो, ओके पर क्लिक करो। अब यहाँ आप देखोगे विंडोज यहाँ पर आ रहा है सिलेक्ट विंडो टू कैप्चर। अब इसके अंदर आपको इस तरह के कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कैप्चर मेथड आ रहा है ऑटोमेटिक, या फिर बिट बिट करके है, या फिर विंडोज 10 है, ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो। विंडो मैच प्रायोरिटी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये भी काफी थोड़े बहुत चेंजेस इसके अंदर भी किए गए हैं। इसके अलावा OBS स्टूडियो के अंदर जो सबसे कमाल का फीचर मुझे लगा, सबसे ज्यादा यूजफुल फीचर लगा, वो है NVIDIA फिल्टर्स को OBS के अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हो इस समय मेरा जो बैकग्राउंड है यहाँ पर ब्लर हो रखा है, तो वो इसी फीचर से मैंने यहाँ पर कर रखा है। NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड अगर आप यूज कर रहे हो, NVIDIA का RTX सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड अगर आपके PC या लैपटॉप में लगा हुआ है और आप OBS स्टूडियो 31 को इस्तेमाल कर रहे हो, तो इस फीचर का आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। OBS स्टूडियो 31 के अंदर NVIDIA फिल्टर्स को इंटीग्रेट कर दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर मेरा ये वीडियो कैप्चर डिवाइस यानी मेरा जो वेबकैम है वो यहाँ पर लगा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद फिल्टर्स पर जाऊँगा। फिल्टर्स में जाके आप यहाँ पर देख सकते हो, प्लस के बटन पर क्लिक करो। अब यहाँ पर आपको कुछ नए फिल्टर ऐड हो गए हैं, जैसे आप देख सकते हो NVIDIA बैकग्राउंड ब्लर का फिल्टर इसके अंदर ऐड हो गया है, NVIDIA बैकग्राउंड रिमूवल का फिल्टर इसके अंदर ऐड हो गया है, NVIDIA ब्लर फिल्टर इसके अंदर ऐड हो गया है। इसके अलावा ऑडियो फिल्टर भी ऐड हो गए हैं, प्लस के बटन पर क्लिक करो तो यहाँ पर आपको NVIDIA ऑडियो इफेक्ट भी इसके अंदर ऐड हो गए हैं। NVIDIA ऑडियो इफेक्ट है, इस पर क्लिक करो तो इसके अंदर तीन ऑप्शन है, NVIDIA नॉइज रिमूवल, NVIDIA रूम इको रिमूवल, NVIDIA नॉइज रिमूवल प्लस रूम इको रिमूवल। ये आपको अब नए फिल्टर्स इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं, NVIDIA के इफेक्ट्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि NVIDIA के जो फिल्टर्स हैं वो कैसे यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना जो वेब कैमरा लगा रखा है, वेब कैमरा की फुटेज आप यहाँ पर देख रहे हो, तो मेरी बैकग्राउंड पूरी इस समय क्लियर दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। अब NVIDIA के जो फिल्टर्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं वो मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ कैसे हम ये कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से अपना वेब कैमरा सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिल्टर्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप देख रहे हो NVIDIA बैकग्राउंड ब्लर फिल्टर हमें मिल रहा है, NVIDIA बैकग्राउंड रिमूवल फिल्टर मिल रहा है, और NVIDIA ब्लर फिल्टर यहाँ पर मिल रहा है। तो जैसे NVIDIA ब्लर फिल्टर है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप चाहो अपने पूरा जो वीडियो आ रहा है उसे आप इस तरह से ब्लर कर सकते हो, और ब्लर की इंटेंसिटी को यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद NVIDIA बैकग्राउंड रिमूवल का फीचर दिया गया है, इसे एक्टिवेट करोगे तो आप पूरी बैकग्राउंड को इस तरह से रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो पूरी बैकग्राउंड हमारी यहाँ पर रिमूव हो गई, और इससे यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे भी आपको करना हो वो आप एडजस्ट भी कर सकते हो, और उसके बाद क्लोज कर दो। तो आप देख सकते हो मेरी जो पीछे की बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है, और मैंने एक इमेज अपने बैकग्राउंड में लगा दी है। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग वगैरह करनी हो, लाइव स्ट्रीमिंग करनी हो, तो बिना किसी ग्रीन स्क्रीन के इस तरह से आप अपनी बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, और कोई भी इमेज पीछे लगा दो और लाइव स्ट्रीमिंग करो या रिकॉर्डिंग करो। आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से NVIDIA के ये फिल्टर्स OBS स्टूडियो के अंदर काम कर रहे हैं। सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो है NVIDIA बैकग्राउंड ब्लर, यानी आप बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हो इसे क्लिक करो। अब आप देखोगे हमारी जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर ब्लर हो चुकी है, और बैकग्राउंड की जो ब्लरनेस है उसे आप अपने हिसाब से यहाँ से सेट कर सकते हो। इसकी इंटेंसिटी को आप यहाँ से कम या ज़्यादा करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर मेरी जो बैकग्राउंड है काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ब्लर हो चुकी है। आप चाहो इसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करना वो आप कर सकते हो, किसी ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो बैकग्राउंड रिमूव करना वो भी कर सकते हो, बैकग्राउंड की जगह कोई दूसरी इमेज या वीडियो लगाना तो वो भी आप लगा सकते हो बिना किसी ग्रीन स्क्रीन को इस्तेमाल किए हुए। तो ये फीचर भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। अब OBS स्टूडियो 31 आप इस्तेमाल कर रहे हो, ग्राफिक्स कार्ड भी RTX सीरीज़ का आपके सिस्टम में लगा हुआ है, लेकिन ये फिल्टर्स अगर आपको यहाँ पर जब आप फिल्टर्स में जा रहे हो तो आपको ये फिल्टर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको NVIDIA की वेबसाइट पर जाना है, NVIDIA फिल्टर्स को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना होगा,
उसका डाउनलोड लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आप nvidia.com की इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहां पर आप देख सकते हैं nvidia ब्रॉडकास्ट डाउनलोड सेंटर। नीचे की तरफ आप जाओगे तो यहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ऑडियो इफेक्ट्स और वीडियो इफेक्ट्स। तो आपको ऑडियो इफेक्ट और वीडियो इफेक्ट्स दोनों ही यहां पर आपको इंस्टॉल कर लेने हैं। अब यहां पर आपको देखना है कि आपके सिस्टम में कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है। जैसे अगर आपका RTX 50 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड है तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अगर 40 सीरीज का है तो ये सिलेक्ट करना है, 30 सीरीज का है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। तो मेरे सिस्टम में RTX 30 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है तो मैंने यहाँ पर इसे डाउनलोड कर रखा है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले ऑडियो इफेक्ट को हमें डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड के बटन पर आपको क्लिक करना है। साइड आप देख रहे हो यहाँ पर एक exe फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह से आपको फिर से वीडियो इफेक्ट्स पर जाना है और वीडियो इफेक्ट्स में भी आपको यहाँ पर देख लेना है कि आपका कौन सा ग्राफिक्स कार्ड है। तो हमारा RTX 30 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड है तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और इसे भी मैं डाउनलोड कर लूँगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो हमारी दो फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी हैं, NVIDIA वीडियो इफेक्ट SDK ये इंस्टॉल हो गया, डाउनलोड हो गया, और उसके बाद एक NVIDIA AFX ये हमारा यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। अब आपको सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है, एक एक करके आपको इन्हें इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों जब आप NVIDIA की वेबसाइट पर जाकर NVIDIA के वीडियो इफेक्ट और ऑडियो इफेक्ट को इंस्टॉल कर लोगे अपने सिस्टम में, उसके बाद OBS स्टूडियो ओपन करोगे तो उसके बाद आपको अपना जो भी आपका वेब कैमरा है या आपका वीडियो कैमरा है वो सोर्स में जाना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है, उसके बाद फिल्टर्स पर जाओ और उसके बाद यहाँ प्लस के बटन पर क्लिक करके आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको NVIDIA बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट, NVIDIA बैकग्राउंड रिमूवल और NVIDIA ब्लर फिल्टर आपको यहाँ दिखाई देने लगेंगे। इन्हें आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपको इसका ऑडियो फिल्टर इस्तेमाल करना है प्लस के बटन पर क्लिक करो, यहाँ पर आपको दिखाई देगा NVIDIA ऑडियो इफेक्ट, इसे सिलेक्ट करो और उसके बाद आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा OBS स्टूडियो 31 के अंदर बहुत सारे कमाल के नए नए फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं जो कि काफ़ी यूजफुल फीचर्स हैं। अगर आप OBS स्टूडियो के बारे में जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो OBS स्टूडियो के बहुत सारे वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। OBS स्टूडियो की पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।